रात होगी एकदम से, कैमरा खुलते अंधेरा हो गया। तो अभी हम लोग अपने घर से एक घंटा दूर जा रहे हैं, एक वीडियो का तीन सेकंड का पार्ट शूट करके ना, उसी बात के पैसे हैं हम लोग। और आर्टिस्ट बुला ले दुनिया भर के आर्टिस्ट आगे सारे सबको आगे चल रहे हैं। एक एक सेकंड है क्या सबको? रोहित शेट्टी की पिक्चर है भाई, मल्टीपल आर्टिस्ट के साथ ही होगी। गाड़ी वाले को फोन करते हो जो उड़ेंगी गाड़ी। मजा है, ऐसा लगे चाहे कुछ करना रहे हो तब भी ऐसा लगे जैसे कितना प्रोफेशनल काम, बड़ा काम। यो काम अगर घर में ही करने के लिए दे देते ना 3 सेकंड का, तो ऐसा लगता आम को यार कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, सुबह कर लेंगे। लेकिन जब इसके लिए डेडिकेटेड उठना पड़ा और जाना पड़ा, उठे भी टाइम से आज तो ऊपर कोई चलना ना, अभी तो फोन आगे भाई एम्बुलेंस आगे भाई जान दो यार भाई। कई बार एम्बुलेंस वाले को बीडी की तलब हुई रहे तब भी सायरन से बजा के भगा ले। नहीं एम्बुलेंस वाले तो बजाए रखे सायरन, जल्दी निकले। अगर तुमने बिना मरीज के सायरन बजा हो रखे है ना, सस्पेंड हो चेकिंग में अगर पकड़ा गया बिना मरीज के सायरन बजा रखा, फिर तो नहीं जलते यार ऐसे। हमारे लेकिन में लड़के ऐसे कर रहे थे, वो एम्बुलेंस दे रखी थी एक हॉस्पिटल ने, सालों को वही जुकाम बता देते थे किसी के, बुखार बता देते थे, 10 बजे के बाद हॉस्टल 10-12 बजे के बाद बंद हो जाता ना, एम्बुलेंस बुलावे थे उसमें कम से कम 12-14 चढ़ लहे थे, कई बार मरीज भी वही रह जा रहा था, बाकी लड़के चढ़ लहे थे। तो एक बार एम्बुलेंस का ड्राइवर सस्पेंड हुआ था, 2 लड़के और वो ठेके से दारू लेते पकड़े गए थे वहीं से, अरे एम्बुलेंस में सायरन बजाता रहा था, पुलिस वालों ने पकड़ा, फोन कर दिया हॉस्पिटल में भी कॉलेज में भी, सब सस्पेंड कर दिए थे। तब भेद खुला था कि साला मरीज नहीं जा रहा, दीवार शराब ही जा रहा उसमें। अरे भाई कहाँ मुजफ्फरनगर है क्या चोल? देख ले अगर यहाँ से भी 20 मिनट है तो कहाँ होगा गाजियाबाद। तो मैं यूँ कह रहा जब तो भी आलस आवे मुझे, पता नहीं लोग कैसे ही रह रहे गाजियाबाद में, जैसे कट से इधर लेगा क्या अलग दुनिया दिखेगी। गाजियाबाद तो मैं यूँ कह रहा नोएडा दिल्ली मिला लो इतना बड़ा गाजियाबाद अकेला, और राजनगर एक्सटेंशन पे तो मैं यूँ कह रहा पैदल भी अगर आदमी निकल जाए तो बड़ी बात है भाई। अभी 5 मिनट पहले बनाया था हमने व्लॉग की शूट करने जा रहे हैं, और अब शूट से वापस जा रहे हैं। एक घंटा गाड़ी चला गया, एक घंटा गाड़ी चला गया, अब जा रहे हैं 2 घंटे का ट्रेवल 3 सेकंड के लिए। उसमें बस फालतू में एक्स्ट्रा शॉट्स ले लिए हमने, ये मान लो वैसे तो काम एक शॉट से हो जाएगा, लेकिन हम ले आए 3-4 क्योंकि दोबारा तो जाने के नहीं। अगर वो कहने लगे ब्रांड वाले की चेंज है दोबारा होगा। बड़े भाई कहाँ रह गए? बड़े भाई ऐसा लग रहा तुम गाड़ी में हो भी नहीं। तो ट्रैफिक में फंसे फंसे एक बहुत ही सुंदर मुझे बात याद आई, अरे हाथ तो नहीं दुखने के अगर मैं लंबी बात बता दूं तो बता दे बस। अरे सफर कट जाएगा यार, बता शुरू कर दे। तो बात ऐसी है कि भैया मैंने एक व्लॉग में पहले भी कहा था, और ऐसे ही कभी कभी ऐसे बातें टकरा जाती हैं नई पुरानी, तो मैं ये कहता हूँ कि जब आप किसी के ऊपर एहसान करो ना उसे महसूस जरूर करा दो, गिनवाओ भी मत, महसूस करा दो कि ब्रो ये एहसान है, ये मैं अपनी अच्छाई में आपके लिए कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि तुम डिजर्व कर दो। क्योंकि सामने वाले के लिए अगर तुम बहुत ज्यादा एहसान करने लगो, मान लो ऐसा कर दो कि किसी आदमी को तुम रोज सुबह नीचे जाके ठंडा पानी पिलवाने लगो, तो उसे क्या लगने लगेगा कि ये तो इसकी ड्यूटी है, खाली है ये तो मैं डिजर्व करता हूँ ये चूत। और जिस दिन तुम नहीं पिलाओगे उस दिन तुम बुरे बन जाओगे। तो इसीलिए जब भी उसे ठंडा पानी पिलाओ तो उसे बताओ भाई मैं इतनी सीढ़ी उतर के आया, हमारे घर में तो एक ही बोतल रखी जा फ्रिज में, इसे जमने में भी पैसे लगे हैं बिजली लगे, और देख मैं तुझे पिला रहा। मानता नहीं मानता एहसान, हो गया हाँ बाबूजी एहसान मानता हूँ। तो ऐसे ही कर दो, और ऐसा जीवन में हमने एक दो लोगों के साथ किया कि उन पे ना हमने थोड़े से एहसान कर दिए, उन्हें गिनवाए नहीं, तो उन भड़वों को लगता है कि हमें पता नहीं वो हमारे साथ क्या होशियारी दिखा रहे थे। जबकि ये जो तेजी हो ना, अभी एक चीज तो भाई मैं किसी के लिए कर रहा हूँ बहुत अच्छा, मेरे साथ सामने वाला भी ऐसे ही है कि वो भी मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा, महसूस मैं भी कर रहा महसूस वो भी कर रहा, तो चलता है। अब मैं तो किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ, सामने वाला भड़वागिरी कर रहा है और मुझे पता भी चल रही है बातें, और उसके बाद भी गलती नहीं मान रहा, फिर भी सोच रहा है कि वो हम क्या। तो भाई मतलब अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैंने जीवन में एक ही चीज सीखी है, मेरे जो है परम पूज्य मामा जी ने मुझे एक ही बात बोली थी कि भाई लक्ष्य नया नया पैसा तुम्हारे हाथ में, तुम जवान लड़के हो, बहुत एनर्जी रहती है, बहुत शौक रहते हैं खर्चने के, मजे करने के, दोस्तों के साथ रहते हो, बट एक बात हमेशा याद रखना, तुम लोगों की तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी, बट जब कभी तीसरा बंदा तुम्हारे साथ हो तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी किसी के लिए कुछ अच्छा करो उसे बता जरूर दो। क्योंकि मेरे मामा जी बोलते हैं कि भाई मैंने जीवन में बहुत लोगों के लिए अच्छा करा, लेकिन एंड में ना मैं उनका ही बुरा बन गया सबसे, और ये सच बात है। जब आप किसी के लिए बहुत अच्छा करोगे ना, सबसे ज्यादा बुरे उसके लिए बनोगे, उसी के ही बन जाओगे आप, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा जब आप नहीं करोगे उसके लिए। यार ये होता है कि मान लो करते रहो लेकिन जब नहीं करोगे, एक बार तुमने वो कर दिया नहीं करा चाहे, और ये पता नहीं हजार बार ऐसा हुआ कि जब आदमी के संबंध टूटते है ना तो अच्छाई तो किसी ने याद नहीं करी, एक बुराई तुमने उसकी कर दी होगी कुछ, और वो भी उसे गलत फहमी होगी, वो उसके हमेशा याद रहेगी कि अरे भैया ये तो इतना खराब व्यक्ति है। और हमारे जीवन में तो ऐसे लोग आए जिन्हें एंड तक भी हमने ट्राई करा है ना बुरा ना फील करा, मैं वो आज हमें जो है बातें बनाते हैं कि ऐसा हो गया। वो तो मैं मतलब पर्सनल बात है, मैं बाहर तो क्या बताऊं, बट मैं हर्ष रचित बड़े भाई अक्सर डिस्कस करते हैं बातें,
कि भाई एक जब चार पांच लोग काम करने वाले हों, जब साथ में होते हैं तो बड़ी मुश्किल एक संगठन बने। और ये संगठन ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि अगर गलत आदमी इसमें बीच में आ जाए तो वो सबकी बात खराब करा दे और सच में आपको रिग्रेट फील करा दे किसी के लिए कुछ करने का। तो मैं एक चीज तो ये सीख ली, मैं कहा यार मॉनेटरी सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरे को उधारी कह के दे दो, कभी यूं मत कह के तू रख लिए, तो वो तो गलत करेंगे। हाँ, गलत ले लेना, आदत ही खराब हो आदमी की, आदत ही खराब हो। दो अगर रोटी किसी को खिला रहे घर में बैठा के उसे कह दो फ्री के खिला रहे, ध्यान रखिए, तो आदमी फिर ना तुम्हारा इज्जत भी करेगा, तुम्हारा एहसान भी गिनेगा, नहीं तो साला तुम्हारे पैसे पे राजा हो जाएगा, तुम्हारे मालिक बन जाएगा तुम्हारे पैसों पे। इनका तो फ्री हराम का समझन लगे इनके चुद्धो का हराम का रहा, इनका तो रोज का। मेरे पास तो इतना बड़ा एग्जांपल है, मेरी दोस्ती से लोगों से 17-17 साल से चल रही और आज भी मैं बहुत अंदर की बात नहीं बताता, मेरी अर्ज की यारी तो ऐसा चल रही कि मैं अगर एग्जांपल देना शुरू करूं तो भाई मैं अपने आप में इतिहास में लिखा जाऊंगा, यूं को भाई ऐसे तो ऐसे ही नहीं चलती यारी दोस्ती, आपको दूसरे के लिए भी करना पड़े और मेरे लिए भी। और आज तक मतलब बहुत अंदर की बात है बट मैं ऊपर से ही बता दे रहा कि आज तक मेरे अर्ज के बीच में ना दोस्ती क्यों चली, हिसाब की किताब नहीं उठी। आज तक मुझे नहीं पता उसने मेरे कहाँ कितने पैसे दिए, मैंने उसके कहाँ कितने पैसे दिए, मैंने उसके लिए क्या करा, उसने मेरे लिए क्या करा। और ये चली भी इसलिए मैं उसकी इस बात में तारीफ करूंगा कि मैं माइंड करता हूँ चीजों को बहुत बार, वो माइंड नहीं करता। आज भी उसकी गाड़ी उठा के यहीं मार दूंगा ना कहीं और उसे जाके यूं कह दूंगा भाई तेरी गाड़ी टूट गई उसे सही करवा ले, वो यूं तक नहीं कहने का तू लेके गया था तेरी जिम्मेदारी थी उसे सही करवाता ही है, वो सही करवा के ले आओ तो ये ना, और अगली बार फिर चाबी दे देगा। हिसाब की किताब उठते तो मैं अगले मिनट निकालना शुरू कर दूंगा। मतलब हम चार पांच दोस्त हैं यार, छह हैं और सातवां विकांशु है जो साथ में काम कर रहा, भाई ऑन पेपर कुछ नहीं है, ना कोई किसी के साथ ऑन पेपर काम कर रहा, ना कोई ऑन पेपर किसी का कोई बॉस, ना कोई एम्प्लॉय, क्योंकि अगर यारी में यारी में चीजें चले ना तो भी ट्रस्ट से चले, भाईचारे से चले। ये इतनी छोटी छोटी चीज हो कि मैं खराब जगह जा रहा तो मैं रचित का चार्जर उठा ले जाऊं, उनको तो साढ़े का इसका लोगों में इतनी बात हो, इनसे यारी दोस्ती बात खराब हो जाए। अगर जब तक तुम उसका सामान उसका पैसा अपना नहीं समझ रहे ना तो इसका मतलब तुम दोस्त नहीं हो उसके। बात ये भी है यार, मैं तो बात ही भूल गया, मैं भी कुछ बोलना चाह रहा था, ये लंबी लंबी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा यार, मान लो एक तरफ से नहीं होता, तेरे लिए मैं कुछ करूँ फिर मैं तू मेरे लिए कुछ कर, थोड़ा ज्यादा तो चल जाएगा, थोड़ा ज्यादा चल जाएगा, लेकिन ये थोड़े पता किसी दोस्त के पास बहुत पैसे हैं, ठीक है उससे तुम एक्सपेक्ट करो कुछ चीजें, एक के पास कम पैसे तो तुम्हारी ड्यूटी बनाएगी यार ठीक है हम फालतू जगह नहीं खर्चवाने गए। वो भी नहीं होता ना कि स्प्लिट ही कर दो हर जगह, भाई मैं क्लब लेके गया मैं वहाँ लाख रुपए का खर्चा करवा दिया तो वहाँ स्प्लिट क्यों करेगा भाई कोई, ठीक है वहाँ मैं कहने लगू तुम तो दोस्त हो स्प्लिट कर दो इसे तो उनकी क्यों मरवा दू भाई मैं लाया तो तू था। ये भी तो दोनों तरफ की समझने वाली बात है ना, तो अगर मैं तेरे से गया तो मैं भी सोचूं यार इसका तो ज्यादा, तू मेरे बारे में सोचता भाई। मैंने आज तक दोस्तों में अपनों में जितनों से यारी चली ना अंडरस्टैंडिंग देखी, और निहाल तो मेरा बहुत नया दोस्त बना था, मतलब निहाल इतना प्यारा आदमी, मतलब उसकी भी दोस्ती इसलिए चली उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर तो भाई ये वाली थी इशारों में यार, वो वैसे लाइफ में अपनी लाइफ में भी उसने अपनी लाइफ के डिसीजन ऐसे लिए ना कि मैं जिसे जो थोड़ा ज्यादा नहीं होता वो आदमी समझदार वो इशारों में समझने वाला भाई कि ऐसा होना वैसे होना। वो ऐसा आदमी था जिसने मुझे डे वन हर एक गलत इंसान की बताई, वो ऐसा कर रहा था मैं लक्ष्य तो समझ रहा या मगर समझ रहा भाई देखेंगे वो तो मुंह पे कह देना इसके वो पहले बता दे। वो पहले वो आज तक जितने लोग हमारे लिए खराब निकले ना निहाल के डे वन से एंटी थे वो, निहाल बर्दाश्त नहीं कर रहा था किसी को भी उनमें से। पर ठीक है यार मैं तो आज भी यूं कहूँ कि मेरे अंदर हेट नहीं है किसी को भी लेके, मैं तो भाई किया ही है, मुझे एक आदमी यूं नहीं कह सकता मेरे 10 रुपए इसकी तरफ है या इसने मेरे सामान ले लिया था या इसने मेरे से यूं काम करवा लिया था या कुछ, मतलब मैं अपने जीवन में इतना तो मैं कह सकूं कि भाई किसी का एहसान नहीं लिया, भगवान ने ऐसा रखा कि किसी का एहसान नहीं लिया, करा ही है आगे बढ़ बढ़ के हर किसी के लिए और बुरे भी बतेरे को बनेंगे, पर अपने अंदर सेटिस्फेक्शन है कि हाँ भाई किया। और आज भी उन लोगों की हिम्मत नहीं मेरे मुंह पे कहते हैं, वे भी इधर उधर ही बातें करें, मेरे मुंह पे नहीं कह सकते क्योंकि मुंह में ही मुद्दूआ और घर परिवार वालों को बीच में ला गए, क्योंकि भाई मैं तो डंगे की चोट पे कर रखा सबके लिए और सबको पता, और इतना कर रखा कि हिसाब की कॉपी खोल दी तो गहने बिक जाए, वही बात है गहने बिक जाएंगे। आज देखे जा ऑडियंस किस पे सब नहीं ऑडियंस को नहीं पता, ऑडियंस के तो सामने ही नहीं आए वो लोग, ये तो मैं इसीलिए अपनी पर्सनल लाइफ को ना बहुत दूर रखूं इस कैमरे से क्योंकि लोग साढ़े बहुत हराम हो मुझे आज तक सिर्फ हर्ष मेरे थ्रू आज तक हर्ष आया, भाई हर्ष काम था साथ में यूट्यूब पे आया, फिर रचित यूट्यूब पे था, रचित से मेरी जब दोस्ती हुई थी जब रचित ने साथ में काम करा था तो
भाई साथ में रखा भी उन्हीं लोगों को जाना जिनका तुम्हें पता कि भाई ये किस तरह के लोग हैं। अब जब कोई आदमी डे वन ही तुम्हें पता तुमसे फायदा निकालना चाह रहा और उसे सपोर्ट कर दोगे, जैसे मैंने कल अरमान मलिक वाली बात भी करी थी, अपनी बहन को वो लेकर आया था यूट्यूब पर, आज उसकी बहन उस पर एक्सपोज बना रही, सगी बहन बता यार, और आदमी किस पे भरोसा करेगा। बस क्या ही बताऊं, जीवन के कुछ लेसन हैं। और यूं मत कहियो लक्ष्य भाई परेशान होगा, हम तो बहुत मौज में, ये मैं तुम्हें एक साल पुरानी बात बता रहा भाई। बस साफ बात यह है, जोड़ के उन आदमी को चला जा जो सही हो, जो सही हो। हमेशा जैसे तुम दूसरों के लिए कर रहे हैं ना, एटलीस्ट उनसे वो एक्सपेक्ट करो। हर दोस्त तुम्हें पैसों का सपोर्ट नहीं देगा, बट मन से साथ हो, मन वो खड़ा हो तुम्हारे साथ, वो उस टाइम पे अवेलेबल हो, यू भी नहीं पैसे की। आज मुझे हर दोस्त का पता मेरा कौन सा दोस्त मेरे कहाँ साथ खड़ा। अक्षित हमारे से 4 साल छोटा, लेकिन मुझे ये पता कि अगर मैंने अक्षित को फोन कर देना वो देहरादून भी, यार मैंने वो कह दिया भाई तेरी जरूरत है अभी चल लेगा तुरंत। तो हर कोई दोस्त हर तरह का सपोर्ट नहीं कर सकता, बट तरह तरह का तो करे, कुछ तो करे साला। दोस्त दोस्त का हो तो दोस्त कहने लायक, कह तो दोस्त रहे, तुम्हारा काट रहे पीछे बैठे बैठे, यूं को इसके साले के पैसे खर्च चुका दें, इसके साले की गाड़ी तोड़ दें, इनके यहाँ पूरा दिन इनका सामान यूज कर लो, खा लो पी लो मौज मार लो, एंड में अपना बचाओ रखो। तो समझ आ जा भाई सबको, सबको समझ आ जा, कोई आराम का थोड़ी आ रहा। वही बात है, लेकिन ज्ञान तो बहुत हो गया, अलग से वो लीची दिलवा दी भाई मैं तो आज जा रहा पानी पीने भी बहुत अंदर तक की बड़े भाई की एक बात अभी फ्लैट पे जाके बताऊंगा, फ्लैट पे चल के बताऊंगा एक बार, कैमरा ना हीट होके बार बार बंद हो जा रहा, फ्लैट पे बताऊंगा, फ्लैट पे जाके बताऊंगा। और खाने के बाद ठीक है भाई। यार एक काम करो ना, अरे इस वीडियो को जितने रिकॉर्ड करी है तुमने तो सभी मत डालो, जिस दिन मुझसे लड़ाई बड़ी हो गया उसके बाद डाली हुई नहीं, बड़े भाई को खाते हो रोज रिकॉर्ड कर लूं मैं एक बार। अरे नहीं यार, तो कई दिन बना रहा भाई। हाँ तो बहुत दिन हो गया, महीना भर तो हो गया। माय रिप्लाई टू खाना कंट्रोवर्सी, जो ऐसे ही नहीं करती धूप में भी चाय पी ले। यार कितना भी लोग करोगे यार, कुछ नहीं, तुम कैच करना चाह रहे हो चाय के साथ भी मुझे। मैं तो ये कह रहा था कि मगा यार चाय पी रहे यार, शूट कर रहे हैं 3 सेकंड का, रील के बीच में शूट पे मंगाई चाय सेट पे। हाँ लिख लियो भाई हिसाब में। तुम्हारे यहाँ कितने की पड़ रही है चाय, 8 रुपए की 10 वाली है? नहीं तू भी हिसाब लगाने बैठे भाई, चिन्नी नहीं की तो अपनी पत्ती एक बार मंगा है और मेरा 15 रुपए का बिल बना दे चाय का। भाई एक वो छोटी सी डायरी लेने वाले वो कमा लिया जो खाया जो खाया पिया लिख के ले जा करेंगे। अच्छा यार एक याद आया मेरे, जब फोन नए नए से थे पहले डायरी में भी तो कॉन्टेक्ट लिखा करते सबके, एक एक डायरी आम भी लगी थी, उसमें लेटर्स लिख के रहते और उसके हिसाब से पेज पे चले जाओ उसका है। एक डायरी वो आन लगी थी जिसमें शहर के कुछ ऐसी ऐसी जगहों के नंबर थे कि किसी डॉक्टर का था, अरे वो तो चल, पिन कोड भी थे वो तो चलावे थी, लेकिन पता नहीं यार मेरे ध्यान नहीं आ रहा कौन रखे था, लेकिन कोई ना कोई पापा या कोई रखे था जिसमें सबके वैसे लिख रहे थे नंबर, फिर फोन नहीं छीन लिया डायरी का, वो कॉन्टेक्ट नहीं आ गया। तो बड़े भाई तो जो उंगली दे के घुमा के रहे थे ना टेलीफोन उस जमाने के, अरे नहीं यार इतने भी पेजर के तो जमाने होंगे या नहीं, पेजर ने कहा या नहीं, नहीं पेज कौन सा वाला है वो एक्सप्लेन। मेरा पापा भी एंड्रॉइड के टाइम का है यार, तुम मेरे से क्या बात कर रहे हैं। पापा तो कह रहे थे कि हमने पेजर यूज करा, पेजर तो अमीर लोगों के चोचले थे, पेजर में लिमिटेड मैसेज जाएगा था, लिमिटेड पेजर मुझे पता नहीं, वो उसमें मैसेज जावे था बस, क्या मैसेज जाएगा था वो तो पता, अरे छोटा सा ऐसा होएगा था जैसा एयरपोर्ट्स हुए इस तरह का हुआ था, उसमें बीप बीप करके मैसेज आया करता था, आर्मी वाले यूज करे अभी पेजर, उसमें मैसेज जावे था लेकिन कुछ ही स्पेसिफिक कुछ होगा शब्द जावे थे बस, लिमिटेड वर्ड्स, जैसे ट्विटर में ही था पहले 40 शब्द लिख सको बस ऐसे, उसमें था उसमें वही GN SWT वो नोकिया वाली ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन थी जो हुआवे थी वो वाली स्क्रीन रहती थी उसका, बस मैसेज दिखा था। अरे आर्मी वाले यूज करे अब भी, ट्रेस नहीं होता वो, वो था भाई लैंडलाइन वाले टाइम के, लैंडलाइन में तो बीच में तार डाल के टेलीफोन एक्सचेंज वाला जुनो जाग रहा था भत्ते। एक ना बक्सा सा होता उसमें एक आदमी दो तार लगा के देखो जाता उनको, लाइन मैन आ रहा लाइन चेक करन, कहीं किसी की सुन ले बात बैठ के बीच में, क्या दिक्कत है किसी की सुने। कई बार शुरू शुरू में जब आए थे ना ये लाइन इतनी मिक्स मैच हुआ करे थी कि 3 लोगों ने एक साथ फोन उठा रखे, दो की बात सुनना आराम से एक आदमी, नहीं वो तो मुझे पता था कि अगर दो फोन एक ही उससे कनेक्टेड है तो कई बार उठी लाइन मिल जाती है, रैंडम भी सही रहा, रैंडम लाइन ज्यादा, दो जैसे तेरे पे फोन आया तुमने उठाया ऑलरेडी 2 लोग बात कर रहे हैं उसमें, अच्छा ऐसा भी हो जाता, वही इतना याद नहीं यार ज्यादा ही बच्चों को, मुझे एक बॉक्स आया गया था ना BSNL का वो लाइन गई तो वगैरह था, एक लाइन मैन था, फिर कोई कोई लाइन मैन बन जाता गाँव में जो बिल्कुल ठेठप थे ना वे लाइन मैन बन गए थे, उन्होंने तारोवार जोड़ने काटने सीख लिए थे। ऐसा भी हुआ था कि गाँव में जब आए आए थे ना तो सबके तो लगे नहीं थे शुरू में लोग, क्या तुम्हारा फोन आया है हमारे यहाँ लिख के थे
ऐसे लिखा था कि किसी का नाम लिखा संतोष ओमपाल की रिश्तेदार, ओमपाल हमारा पड़ोसी था, वो आके फोन मिले और मेन मेन नंबर ना फोन के नीचे एक कागज सा रखे रहते ना उस पे मेन मेन नंबर एम्बुलेंस पापा जी ये सब हाँ जिसे मिलाना टिटिटिटिटि यार हम तो थोड़े टेलीफोन वाले टाइम के होगे वो भी तो लेकिन आज तारी तो लैंड ऐड होगी वो जब तू हो जाती है तो लैंड ऐड हो रही तारी मगर हम तो थोड़े टेलीफोन के टाइम के होगे आजकल के बालकों को ये भी नहीं पता होगा कि 0131 लगाए पहले अच्छा तुझे पता है उन फोनों में पहले आविष्कार हुए कैसे कैसे देख कैसे कैसे अपडेट आए रीडायल आ गया था डायल दबा लास्ट नंबर मिल जाएगा फिर स्पीकर आ गया था स्पीकर फिर रिकॉर्डिंग आ गया था अरे वो स्क्रीन सी भी तो आने लगी थी वाले शुरू वाले में नहीं कितनी देर से बात अच्छा, हो रही है शुरू में नहीं थी भाई फिर आने लगी थी बीटल के आ गए थे बीटल के और कलर्ड आ गए थे वे बटन से ना किसी किसी में लाइट लग रही थी वे वाले भी आ गए थे वो नहीं देखा मैंने वो एक उंगली डाल के घुमाना नहीं होता नंबर एक थोड़ा सा चार्जिंग वाला आ गया था फोन की उसका जो हेडसेट था उसे उठा लो थोड़ी देर के लिए 30-35 मिनट चार्जिंग का रहता वो 30-35 मिनट बात हो जाएगी ऐसे नहीं कि डोरी पे ही टंगे खड़े अरे और बहू जब बात कर रही थी अपने घर वाले जब सासू इंगे उंगे हो जाती फिर बहू लटक जाती यार फिर वो अभी आ गया था उसमें फीचर रिडायल 1 रिडायल 2 रिडायल 3 और एक क्विक फोन के भी आ गए थे कि नंबर 1 में वो फीड कर दो उस पे लगेगा नंबर 1 2 पे 3 पे शुरू शुरू में था पीसीओ भी तो बहुत लोग रख लेते अपनी परचून की दुकान में पीसीओ रख रखी उन्होंने कोई कोई लड़के जो वे थे ना बिगड़े हुए गाँव के उन्होंने वे दुकान खोल रहे थे पीसीओ की लोंडिया बात करने आएंगी उसकी मूवी की सीडी याद है मूवी की सीडी हुई दुकान खोल लग रहे थे अरे वही मोबाइल रिचार्ज आ गई थी फिर उसके बाद उन्होंने मोबाइल रिचार्ज किया मोबाइल रिपेयरिंग की खोल ली थी चार्जर चिप चार्जर सब कुछ 2 GB की चिप जिनने ले ली वो तो राजा था गाने इतने गाने भरवा के फिरा रहा था इतने मुट्ठी 2 GB बहुत सौदा था अच्छा काट के फेंक देते हैं 2 GB में तो एक रील आया हाई क्वालिटी में हो गया ना कॉन्टेंट एक वीडियो हम 10-12 GB की निकाल लिया था 10-12 GB पहले नेट होना बड़ी बात थी मैंने भी प्लान यूज करे कि एक महीने का 1 GB एक महीने का 500 भाई ऐसी था हाँ, अरे मेरे पे डोकोमो था उसमें 7969 ऐसे कुछ भी 1 GB का वो स्क्रैच वाला वो आपको बना हुआ था वो इतना लंबा चले भी 2G था इंस्टा का करे जियो के बाद आया नहीं तो आदमी एक फोटो लोड करता हुआ सोचा करे था इंस्टा पे डेटा भी काफी अच्छा खासा जाता वो जाग रहा था पहले कहे थे भाई आज तो इंस्टाग्राम चला दिया था 1 GB चला गया अभी तो मिल रहा आराम का भाई भाई नेट खत्म कर दिया मेरा तो नेट खत्म हो गया मेरे वो भी याद है कि उस टाइम ना उस टाइम क्या मेरे ख्याल से 2013 की बात होगी जब 2G चला रहे थे तो YouTube भी बहुत बफर होके चला था एक वीडियो भी जो वीडियो फेवरेट थे डाउनलोड करके रखी जाती है बीबी की वाइन मैं बता तो रहा था बीबी की वाइन के सारे एपिसोड फोन में लेके घूमते थे दिखाते हुए लोगों को अरे कौन मन था अपने आपको मतलब बीबी की वाइन सारे डाउनलोड पड़े ऐसे भी तो रह रहे थे कि अगर किसी पे ऐसे डाउनलोड सोदा जितने भी पड़ा जो भी सोदा था बेसिकली जैसे गाने भी पड़े किसी के पास वो नहीं था वो सोनी है हीरी है तेरी याद आती है उस टाइप के किसी किसी दुकानदार में भी तो कहते हैं चिप धर के जा रहा मैं खेत में जाऊंगा भर दिए चिप भर दिए मेरी और वो गानों की भर दिया उससे भाई देसी वाले गाने डाल दिए सपना चौधरी की वीडियो डाल दिए वो कर दिए रहता एक आदमी यू रहता कुछ नया आया गया भाई किसमें नया सा भर दिया वो नई पिक्चर आई हो ना कुछ आया वो भर दी वे भी ऑनलाइन डाउनलोड करो जाते हैं रख के जान वाले हो थे भाई वो देखो गाइस वे मामला भर जो लोगों के सामने ना कहना पड़े रात के लिए स्टफ बहुत वर्ड था वो अंशु भाई मुझे दो काम करने एक तो ना के कपड़े बदलने जल्द से जल्द कपड़े खत्म हो गए यार इंस्टाग्राम पे से ब्लू टिक हटवाने का कुछ हो सके क्या पैसे लगी करेंगे मेरे इंस्टाग्राम पे भी देख रहा था मैं टॉप 20 चैट हैं जिनसे मेरी बात हुई होगी रिसेंटली उनमें से 12 ब्लू तो स्टैंड आउट तो 8 लोग करा ना अब स्टैंड आउट तो 8 लोगों ने करा तो मैं सोच रहा मैं स्टैंड आउट करूँ अब यार ब्लू टिक तो बंड गया संड गया कुछ अकाउंट ऐसे भी रहते मुझे तो थोड़े स्काई ब्लू कलर का टिक दे दो कुछ तो अलग हो सब्सक्रिप्शन वाला अलग कर दो ऐसा अलग कर दो जो बिल्कुल खटारा लोग हैं उनके अलग कर दो जो काफी टाइम से एक्टिव नहीं है सेलिब्रिटी एरा में मैं कह रहा था मगर किसी किसी का ऐसा भी रहता है ना कि ब्लू टिक वाले हैं लेकिन एंगेजमेंट जो है खत्म है बिल्कुल एंगेजमेंट तो मेरी हो गई अगले साल मेरी तो बहुत अच्छी एंगेजमेंट मेरे तो इंस्टा की बहुत अच्छी क्योंकि मैं क्रिंज हरकतें करता रहूँ ना वहाँ वो तुझे पता है क्रिंज ही चले आजकल आगे किसी को यूं कह दो कि अरमान मलिक का रियल नेम संदीप जांगड़ है चल जाए वीडियो ये एक्सपोज कैसा हुआ मेरा नाम मंगलू है क्या हो गया बस ये तो जो है एक छुपी हुई बात थी जो बाहर आ गई इससे मैं खराब कैसे साबित हो गया ऐसे तो बड़े भाई भी वीक लगा नहीं तो अंदर से गंजा हूँ अंदर से कहाँ से मैं तो नीचे लगाऊँ वीक नीचे नहीं आते